अबे ओ बदबख्त और टीबी के मरीज, मुझे भी खांसी लगाएगा क्या? परे लौफ, ये क्या हरकत है भाई? क्या हरकत है? भाई तब आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे ना, तो भाई ने चाचा से बूट भी पॉलिश करवाया, बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की है। तुम्हारी ये जुरत, तुमने चाचा से बूट पॉलिश करवाए? भाई माफी मांगो इनसे, अगर तुमने इस घर में रहना है तो। क्यों मांगू मैं दो कोड़ी के इंसान से माफी? वो दो कोड़ी का आदमी नहीं है, हमारे बाप के जमाने से हमारे साथ काम कर रहा है, तुम उसके हाथों में पले हो, तो रखे आप उनको। जाओ दफा हो जाओ इधर से। फिर जा रहा हूं यहां से, मुझे भी शौक नहीं इस जगह पर रहने का। खबरदार, इसको मेरी इजाजत के बगैर किसी ने घर में घुसने दिया। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। हाई नासमझी में लिया गया फैसला, अब उनको उनके पैसे के बगैर सरवाइव करके दिखाऊंगा। उनको क्या लगता है मैं रह नहीं सकता? बोला उनकी गुर्बत, जिस बंदे के नाम के साथ ही आ जाए ना, उसको तो गाली की जरूरत ही नहीं। दो दिन में पता चल जाएगा कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, ना ही उनके पैसों की। लगता तो किसी अमीर, तो वो आज इसकी जेबें खाली करते हैं। तब पार्टी मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रही है और ये उनकी फाइल। जिशान, आज की जितनी भी मीटिंग्स है ना, सब कैंसिल कर दो। हाँ बोलो जिशान। सर कुछ दिनों से मैंने नोट किया कि आप छोटे साहब की वजह से बहुत परेशान हैं। आप उनको घर क्यों नहीं ले आते? जिशान, मेरा खुद का दिल नहीं चाहता था कि मैं उसे घर से निकालूं, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब कर। मैं यहीं पे सो गया था। मोबाइल किधर है मेरा? और पैसे? जेब कट गई मेरी। अरे यार, सरवाइव कैसे करना है सहारा? भूख भी बहुत लगी है मुझे। चलो देखते हैं। हाँ भाई, क्या लेने? कुछ खाने को मिलेगा? सब कुछ खाने के लिए है, आप जो मर्जी लीजिए। असल में बात पता क्या है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, रात को ना मैंने जेब काट गई। अरे भाई, आप जैसे बहुत सारे यहाँ पे आते हैं दिल में, आप ऐसा करें इधर को चले जाए। एक मिनट में वहाँ से उठ जाती हूँ। पकड़े इसे जल्दी।
अगर तुम खुदकुशी के इरादे से यहाँ पर आए हो तो ये कोई आखिरी गाड़ी नहीं है, 30 मिनट बाद दूसरी भी ट्रेन आ जाएगी। आपको किसने बोला कि मैं यहाँ पे सुसाइड पे ही आया? ये न्यूज पियो, मुझे जरूरत नहीं, इससे तुम्हारी तकलीफ कम हो जाएगी।